अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरकैया, किचन क्राफ्ट में खुश आमदीद। आज मैं ग्रिल फिश बनाऊंगी, यानी हम इसे ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 किलो मुश्का फिश है, ये छोटे वाले साइज़ की है, इसे चिड़ा फिश भी कहते हैं। इसे मैंने धो के साफ़ कर लिया है, अब इस पर मैं कट लगाऊंगी। इसको मैं 3-3 कट लगा लूँगी, एक साइड पर इस तरह, दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। ये इस तरह हम लगाते जाएंगे, बाकी सब पे भी लगाते जाएंगे। ये सारे फिश पे मैंने इस तरह कट लगा लिए हैं, दोनों साइड पे थोड़े से डीपी लगाए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून सिरका ये डाल दूंगी और 1 टीस्पून नमक ये डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये जो हमने फिश जिस पे कट लगाया था, ये सारी फिश हम इस पानी में डाल देंगे, 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। मछली को मैंने पानी में रख दिया है, नमक और सिरका डाल के इसे मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी। इसको साइड पे करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मसाले ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 1 पूरा पॉट मैंने लहसुन का लिया है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है मेरे पास। इनका पेस्ट बना लेंगे, इन्हें पीस लेंगे ग्राइंडर में। और यहाँ पर ये कुछ ड्राई मसाले हैं मेरे पास, 1 टीस्पून अजवाइन ली है, 8 से 10 मेरे पास लौंगे हैं, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है और 1 टेबलस्पून ये साबुत धनिया है, इसे भी मैं पीस लूँगी। तो चलें इन दोनों को पीसते हैं। 15 मिनट बाद मैंने ये पानी फिश में से ड्रेन कर दिया है और अब इस पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लेमन लगाऊँगी। 4 से 5 मेरे पास लेमन है, इनका जूस हम फिश पर लगा देंगे। लेमन का जूस फिश पे लग गया है। अब फिश के ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे, पहले एक साइड से लगा लेंगे फिर दूसरी साइड से। यहाँ पे हल्दी है मेरे पास, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसके ऊपर। ये रेड चिली है पिसी हुई, ये डाल देंगे। इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है, इसमें जो हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे हमारे, वो हमने जो पीसे थे, ये इसमें डाल देंगे सब। ये 2 टेबलस्पून रेड चिली है, ये इसमें चली जाएगी, थोड़ी सी हल्दी, नमक 1/2 टीस्पून और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था ये भी इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इस वाले हम मसाले को फिश के ऊपर लगाएंगे। इसके जो कट्स हैं उसके अंदर भी इसको फिल करेंगे, इसके जो यहाँ पर ये अंदर भी इस तरह फिल करेंगे, इसको हर तरफ से इसको अच्छी तरह लगा देंगे, दूसरी साइड से भी लगा देंगे और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये मसाला अच्छी तरह लग गया है, अब मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे 1 घंटा हो गया है फिश को मैरिनेट किए हुए। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी, आप सरसों का भी डाल सकते हैं और दूसरा कुकिंग ऑयल कोई भी डाल सकते हैं आप। ये ऑयल डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसे ग्रिल पर लगा देंगे। और जिनके पास ग्रिल नहीं है और जो ग्रिल नहीं करना चाहते, फिर वो इसे इस पॉइंट पे फ्राई कर लें। यहाँ पे ये मेरे पास ग्रिल है, इसे मैं ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी, दोनों साइड से ग्रीस कर लेंगे। अब फिश को इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा फासला दे के हम इसमें रखेंगे, जितनी जगह है जगह के हिसाब से रखेंगे। बस इसे हम पूरा बंद नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही रखेंगे और अब इसे ग्रिल करेंगे। लेट्स गो फॉर बारबेक्यू।